को ये समझना है ब्रॉडकास्टिंग में कि एवरी लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन फ्लेवर, एवरी लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। हर भाषा का अपना अपना एक अलग नज़रिया अंदाज होता है। तो हमें ये समझना है कि अगर मैं इंग्लिश में सोच रहा हूँ और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ एक मैच के बारे में, तो मैं वैसा का वैसा हिंदी या मराठी या गुजराती में नहीं बोल सकता। हाँ। क्योंकि आपको वो भाषा की डिलीवरी और भाषा का फ्लेवर समझ में आना चाहिए और आपको उस तरीके से डालना है। हम बहुत बार क्या कर रहे हैं, और बिकॉज हमको आदत लग गई है कि हम सोचते इंग्लिश में है और बोलते मातृभाषा में, या फिर हम सोचते मातृभाषा में और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। हम जब इंग्लिश कॉमेंट्री करते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू बी वेरी इंग्लिश इंग्लिश, नॉट जस्ट विद माई एक्सेंट बट द वे आई डिलीवर, यू नो देयर विल बी सर्टेन टर्म्स व्हिच विल बी वेरी इंग्लिश इंग्लिश। अगर मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो मुझे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल है देता हूँ कि द फील्डर वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द 30-yard circle। ठीक है, ये एक सिचुएशन हुई। अब इंग्लिश में मैंने इसको ऐसा बोला, अब आपको समझ में आ गया कि वो प्लेयर कहाँ खड़ा था, पॉइंट पे था, मिड ऑफ पे था, मिड ऑन पे था। अब इसको अगर मैं हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँ तो वो वैसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं। आपको भाषा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। एंड देयर यू से कि खिलाड़ी 30 गज के मुहाने पर था। 30 गज यार्ड, मुहाना इज द कॉर्नर ऑफ द एज, सो मुहाना आपके आंगन में भी होता है। सो यू हैव टू गेट इन टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ओनली देन यू कैन डिलीवर। अब इसमें एक और चैलेंज है, अब आप भाषा की प्योरिटी के बारे में बात करोगे, ये ऐसा कैसा। अब अपना तो भाई हिंदी मुंबई या हिंदी है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मैं दिल्ली हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, कराई करी भी कर सकता हूँ, मैं आपके अलग फ्लेवर है वो भी कर सकता हूँ। तो विथ हिंदी एंड विथ इंडियन लैंग्वेजेस यू गॉट टू रियलाइज दैट देर विल बी अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेज विच यू हैव टू फिगर आउट, राइट। तो लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी हैव बिकम बाइलिंगुअल नाउ, बट बाइलिंगुअल फॉर इनफॉर्मल टॉक्स इज ओके, बट वेन यू आर डूइंग कॉमेंट्री यू गॉट टू बी आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी। बट एड टू दैट, इफ यू आर ऑन यूट्यूब आई कैन बी हिंदी इंग्लिश मिक्स। सो इट्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, इट्स स्पोर्ट स्पेसिफिक, इट्स लैंग्वेज स्पेसिफिक। सो यू गॉट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, यू नो। अभी आप देखिए भोजपुरी कॉमेंट्री आजकल होती है, बड़ा मजा आता है लोगों को, बिकॉज आपका परसेप्शन भोजपुरी की तरफ कॉमेडी ही है पहले से language। हाँ, लेकिन अब मैं मराठी में वैसा करने बोलूँ तो मेरा प्रोड्यूसर गाली देगा मुझे। बोलेगा नहीं नहीं, आपको यू हैव टू मेंटेन द मिनिमम स्टैचर वगैरह। तो हर भाषा का अपना एक अलग अंदाज भी होता है, एंड एज अ ब्रॉडकास्टर इट्स अ ह्यूज ह्यूज चैलेंज। अच्छा, गावस्कर साहब थोड़ा मराठी या हिंदी बोलेंगे तो भी उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो 50 साल से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, मैं नहीं कर सकता वो। सही है। तो हम सीधा सीधा कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो बड़ा एक आई टेल यू इट्स लाइक क्विजीन, आप थोड़ा हल्दी ज्यादा डालेंगे, मैं थोड़ा नमक हल्का डालूंगा, मैं जीरा हल्का डालूंगा आगे, तो इट्स दैट्स यू शुड लुक एट इट दैट वे, थोड़ा मसाला डालूंगा। हाँ, अगर मैं थोड़ा केसर थोड़ा कम कर दूंगा, थोड़ा दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ दैट्स द ब्यूटी। ओके।